गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास टेंथ का सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश होगा, जो कि असेसमेंट वर्कशीट नंबर सेकेंड है और यह वर्कशीट आपका सेकेंड ऑफ अगस्त 2021 के लिए, यानी टूडे आज के लिए, ठीक है। तो दिस वर्कशीट कैरी 20 मार्क्स, इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू सेक्शंस, ये दो 20 मार्क्स का वर्कशीट है, ठीक है। सेक्शंस वन कंटेन एमसीक्यू, सेक्शन वन में एमसीक्यू है। इच क्वेश्चन कैरीज वन मार्क्स, हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। सेक्शन सेकेंड में कंटेन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इच क्वेश्चन कैरीज टू मार्क्स, हर एक क्वेश्चन दो मार्क्स के होंगे। तो लेट्स सी डियर स्टूडेंट, जो ये कितना ईजी वर्कशीट है और इसे क्या है इस वर्कशीट में। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन डेट फॉलो। द इमोजी इज ए स्मॉल पिक्टोग्राम यूज टू एड टू द मीनिंग ऑफ द मैसेज, यानी इमोजी एक छोटा सा पिक्टोग्राम होता है जो कि हम मीनिंग जो है ना क्या करते हैं, ऐड करते हैं मीनिंग ऑफ मैसेज, यानी मैसेज के थ्रू जो है ना उसे इमोजी के थ्रू हम अपना मैसेज भेजना चाहते, बताना चाहते, ठीक है। बॉर्न ऑन 1st of November 1997, यानी इमोजी का जो वन हुआ था डियर स्टूडेंट 1st November 1997 का हुआ था। जब तक देयर वर 90 इमोजीज इन टोटल, अभी कितना 90 इमोजी है। इट इज़ ए डिजिटल ग्राफिक्स आइकन्स यूज टू रिप्रेजेंट ए कंसेप्ट और ऑब्जेक्ट ओरिजिनली यूज इन द जैपनीज टेक्स्ट मीनिंग, यानी ये जो है ना डियर स्टूडेंट ये डिजिटली डिजिटल ग्राफिक आइकन है जो कि रिप्रेजेंट और ये कंसेप्ट जो है ना ओरिजिनली जापान में यू टेक्स्ट के रूप में यूज होता था मैसेजिंग, बट एवर सिंस इट वॉज द एडॉप्टेड इंटरनेशनली, लेकिन अब इस इमोजी को इंटरनेशनली अडॉप्ट किया गया, वो दुनिया में हर जगह जो इमोजी को यूज़ किया जाता है। इट इज़ बींग यूज इन अदर कंटेक्सट, इसको दूसरे कंटेक्सट में भी यूज किया जाता है, सच इज द सोशल मीडिया ऑल्सो, सोशल मीडिया के कंटेक्सट में भी। गूगल इज मॉडिफाई एंड अपडेटिंग इट्स बैंक ऑफ नियरली 1000 इमोजी, यानी गूगल क्या करता है हमेशा जो है ना क्या करता है मॉडिफाई कर रहा है, या जो है ना क्या कर रहा है मॉडिफाई कर रहा है, अपडेट कर रहा है 1000 इमोजी, ठीक है। टू मार्क द वर्ल्ड इमोजी डे, इमोजी डे के लिए, ठीक है। विच वॉज ऑन July 17, यानी 17 जुलाई को इमोजी डे था डियर स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं इमोजी डे। द लेटेस्ट चेंजेस हैव बीन मेड इन द मास्क फेस इमोजी, अब लेटेस्ट जो इमोजी बना है आप देख रहे हैं मास्क पहन करके इमोजी को भी बना दिया गया है, राइट। चेंजेस आर मेड इन कीपिंग विद द टाइम्स, और ये चेंजेस क्या है समय के साथ बदलता है, ठीक है। द सीजर्स इमोजी नाउ हैज़ द ब्लैड्स लुकिंग शार्पर, और सीजर इमोजी भी जो है ना सब ब्लैड की तरह जो है ना शार्प दिखता, तेज दिखता। व्हीकल लाइक्स द टैक्सी एंड द ट्रक हैव हैड देयर प्रोपोर्शंस चेंज, और व्हीकल और टैक्सी का भी प्रोपोर्शन चेंज हो चुका है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज हैज़ बीन इन द कैरेक्टर ऑफ द मास्क इमोजी, और सबसे इम्पोर्टेंट जो चेंजेस हुआ है जो इमोजी को मास्क पहना दिया गया है, ठीक है। जो आप भेजते हैं इमोजी स्माइली का हो गया, या फिर आप जो है ना गुस्से का भेजते हैं, सोने का भेजते हैं, ठीक है। वाइल द अर्लियर वन शुड द शो द मास्क फेस विद द इट्स आईज शट इंडिकेटिंग इट्स इल हेल्थ, यानी आई शट यानी वो बीमार है वो दिखाता है। द न्यू इमोजी हैज द आई ओपन इम्प्लाइंग दैट द बियरिंग ए मास्क, यानी नया इमोजी आँख खुला हुआ और मास्क पहना हुआ। इट रेगुलर अफेयर इवन फॉर द हेल्थी पीपल, और वो हमें पहनना चाहिए हेल्थी पीपल के लिए, वो बेहतर रिप्रेजेंट करता है जो इमोजी पहनना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल यही आइडिया है डियर स्टूडेंट, तो चलिए लेट्स सी कि इसका आंसर क्या होगा, राइट। द इमोजी इज ए स्मॉल, इमोजी एक क्या है डियर स्टूडेंट, एक पिक्टोग्राम है, ठीक है। एक क्या है, पिक्टोग्राम है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, इमोजी एक पिक्टोग्राम है, राइट। इमोजी आपका एक पिक्टोग्राम है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर ये हो जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ इमोजी इज कितना, अभी टोटल नंबर ऑफ इमोजी कितना है 1000, ठीक है। व्हाट डज एन इमोजी ऐड टू मैसेज, इमोजी क्या करता है, तो एक मीनिंग को ऐड करता है, क्या करता है मीनिंग को ऐड करता है। उसके बाद ए ग्राफिक इमोजी रिप्रेजेंट, ग्राफिक इमोजी जो रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है डियर स्टूडेंट, तो ये रिप्रेजेंट करता है एक कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, एन ऑब्जेक्ट एंड कंटेक्स्ट को। द सीजर्स इमोजी हैज़ बीन चेंज बाई मेकिंग, क्यों चेंज हो गया, तो ये मेज जो है ना डियर स्टूडेंट ये इट्स ए सीजर शार्पर है, इस वजह से वो चेंज हो गया। ए सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज कुड बी, सुटेबल टाइटल क्या हो सकता है, तो द पास्ट एंड द प्रेजेंट ऑफ इमोजी, ये टाइटल हो सकता है डियर स्टूडेंट। आई होप ये सभी का आपको आंसर पता लग गया है, ठीक है। अब हम सेक्शन सेकेंड में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन सेकेंड, इस सभी को आप इजीली आप इसे लगा लीजिएगा, ठीक है। यानी पहला का सी है, दूसरा का सी है, सॉरी डी है, तीसरा का आपका सी है, चौथा का आपका डी है, और पांचवा का आपका डी है, और छठा का आपका डी है, राइट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट,
ये बेहद ही ईजी वर्कशीट है, ठीक है। व्हाट इज एन इमोजी, नेम द कंट्री ऑफ इट्स ओरिजिन, ये बहुत ही आसान है। तो चलिए सभी का आंसर देखते हैं। व्हाट इज एन इमोजी, नेम द कंट्री ऑफ ओरिजिन, तो इसके ओरिजिन का हमें नाम बताना है, राइट। तो चलिए, द इमोजी इज ए स्मॉल पिक्टोग्राम यूज टू एड टू द मीनिंग ऑफ द मैसेज, इमोजी वर ओरिजिनली यूज इन जापान, कहाँ यूज किया जाता है, जापान में। व्हाट वॉज द इम्पोर्टेंट अबाउट द वर्ल्ड इमोजी डे इज दिस ईयर, तो इम्पोर्टेंट क्या था, गूगल इज मॉडिफाइंग एंड अपडेटिंग इट्स बैंक ऑफ द नियरली 1000 इमोजी टू, यानी 1000 इमोजी मार्क द वर्ल्ड इमोजी डे विच इज द हेल्ड इन विच वॉज ऑन 17 जुलाई को हुआ था, ठीक है, इमोजी डे। अब नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, जो कि इट्स टू इजी, मेंशन द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज इन द इमोजी रिसेंटली, क्या चेंजेस हुआ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट चेंज इन द इमोजी इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द मास्क फेस इमोजी विद द आईज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, राइट अबाउट द चेंजेस इन द मास्क इमोजी में क्या चेंजेस है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंजेस हैज बीन इन द कैरेक्टर ऑफ द मास्क इमोजी, वाइल द अर्लियर वन शोज द मास्क फेस विद द इट्स आई सेट, द न्यू इमोजी हैज बीन चेंज ओपेंड आई ओपन। और नेक्स्ट है, व्हाट इंपॉर्टेंट मैसेज डज दिस चेंज कन्वे, क्या इंपॉर्टेंट मैसेज, द वाइल द अर्लियर वन शोड द मास्क फेस विद द इट्स आई सेट इंडिकेटिंग इल हेल्थ, द न्यू इमोजी हैज द आईज ओपन इंप्लाइंग दैट द बियरिंग मास्क इज ए रेगुलर अफेयर इवन फॉर द हेल्दी पीपल, राइट। एंड नेक्स्ट वन है डियर स्टूडेंट, हाउ हैज द सीजर्स इमोजी बीन चेंज, द सीजर इमोजी नाउ हैज द ब्लेड लुकिंग द शार्पर, ब्लेड की तरह तेज हो चुका है डियर स्टूडेंट। और विच इज़ द योर फेवरेट इमोजी, वाई, तो माई फेवरेट इमोजी इज ये वाला है, ठीक है, बिकॉज इट इज सिम्बलाइज द पॉजिटिविटी लव एंड द हैप्पीनेस, जो कि मैं हमेशा कमेंट में करता हूँ, ठीक है। चलिए, आपको अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी के लिए 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट अपलोड कर दी जाती है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें बच्चे। एक